आज हम बात करने जा रहे हैं टाड़ा गांव की। टाड़ा गांव से ही पंडित हरिशंकर तिवारी बाहर निकले थे और गोरखपुर आए थे, और गोरखपुर आ करके उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तारित किया। 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और उनकी पहचान पूरे पूर्वांचल में, क्या पूरे प्रदेश में, बाहुबली के रूप में होती थी। और एक समय ये था कि उनकी प्रतिद्वंदिता जो थी बिरेंद्र शाही से थी। उस नाते कभी BBC ने कहा था, गोरखपुर को उपमा दिया था कि यह अमेरिका का शिकागो है। आज उनकी प्रतिमा पंडित हरिशंकर तिवारी टाड़ा गांव में लगनी थी। ग्राम पंचायत ने कहा कि मैंने पास करके भेज दिया था, लेकिन प्रोफेसर राजा वशिष्ठ त्रिपाठी ने, तिवारी ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो नियमानुसार नहीं था। उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखा था, और उसके बाद वहाँ जो चबूतरा था मूर्ति लगाने के लिए बनाया गया था, उसको प्रशासन ने हटा दिया। तो जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर राजा वशिष्ठ तिवारी जी की, ये भी कैलिफोर्निया में 28 साल तक प्रोफेसर रहे, उसके बाद 12 साल तक BHU में प्रोफेसर रहे। आइए, उस गांव की क्या सच्चाई है, उस मामले की क्या सच्चाई है, हम उन्हीं से जानते हैं। तो सर बताइए, क्या मामला था पूरा? मैं गांव गया हुआ था, ये तो मेरा मुख्यालय है, तो यहाँ भी घर है गोरखपुर में, यहाँ से 40 मिनट में मैं गांव पहुँच जाता हूँ। गांव गया हुआ था, गांव पे एक जगह है जिसमें मैं वैज्ञानिक दुनिया बसाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको वशिष्ठ नगर नाम दिया गया है। वहाँ मेरे भाई की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, उसका परिक्रमा करके मैं अपने घर लौट रहा था, अपने गांव। अच्छा, बड़े भाई आपके थे? नहीं, छोटे भाई। अच्छा, उनकी हत्या हो गई। अच्छा, तो उसका भी प्रकरण मैं आपको बता होगा। लंबे समय से, करीब 45 साल हो गए, मैं लौट रहा था, देखता क्या हूँ कि गांव का जो स्वागत द्वार है वहाँ उसका पुनर्नियोजन हो रहा है, और उसके एक स्तंभ के साथ सरकारी ज़मीन पे कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, और वहाँ 2-3 लोग थे जिसमें एक ग्राम प्रधान जी भी थे। कब की बात है, कब गए थे आप? ये 21 तारीख, 21 जुलाई या उसी के, हाँ, उसी के संदर्भ जुलाई में है वो, जुलाई में, हाँ, जुलाई में 20-21 जुलाई के इर्द गिर्द ही है ये। तो चूंकि घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, और आप देख ही रहे हैं कि ये प्रदेश स्तर पे पूरी तरह से गर्माहट ले आ दिया है। मैं उधर से जब लौट रहा था और देखा कि ये निर्माण कार्य हो रहा है, तो प्रधान से मैंने पूछा कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो क्या प्रश्न मेरा क्या था, और उन्होंने कैसे और क्यों हो रहा है ये बताना शुरू कर दिया कि ये सब हम अपने फाइनेंस से करा रहे हैं, अपने पैसे से करा रहे हैं। और उनको ये संशय था कि मैं पूछूंगा कि धन कहाँ से आ रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मैंने उनके हाव भाव और उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे उससे मैं कुछ आइडिया लगा लिया कि कुछ यहाँ मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मनमाने ढंग से हो रहा है, या जो नियमावली है, विधान है इस देश का, प्रदेश का, उसके अंतर्गत हो रहा है। तो जो जवाब नहीं दिए, और मेरी बात तब आगे बढ़ती चली गई। तो उन्होंने मतलब वही गोल मटोल, और कभी चुप कभी तो थोड़ी सच्चाई बताना नहीं चाह रहे थे। जब 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 व्यक्ति सत्य का सामना नहीं करना चाहता है तो वो उस चीज़ को घुमाता है। तो वही हुआ, मैंने बस इतना कह करके वहाँ से कि मैं इसका विरोध करता हूँ। आपको जानकारी हो एक मूर्ति लगनी है? हाँ, ये तो किसकी लगनी है भी जान गए, चूँकि जहाँ जो दो और लोग थे वो उसी परिवार के थे जिस परिवार से मूर्ति लगनी थी। तो मैं इतना तो है कि मैं सरमाइश कर लिया कि मूर्ति उन्हीं की लगनी, पंडित हरिशंकर तिवारी की। पंडित हरिशंकर तिवारी का नाम आप हैं, उनको मैं एक व्यक्ति विशेष और कुख्यात राजनीतिज्ञ मानता हूँ। लोग उन्हें विख्यात भी मानते हैं, लेकिन मैं उन्हें कुख्यात मानता हूँ। उनका विरोध मैं लंबे समय से करता चला आ रहा हूँ, 2007 से।
क्या कारण रहा इसके पीछे? कारण ये है कि उन्हें मैं अपने भाई का हत्यारा भी मानता हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई थे जिनकी मूर्ति लगी हुई है वहाँ, अच्छा जिसकी परिक्रमा आप किए थे वहाँ पर, हाँ वही मैं मानता हूँ, मेरे परिवार वाले नहीं मानते। लेकिन घटनाएं ऐसी घटी कि उस क्रम में हत्या हो गई और मेरा नाम राजा वशिष्ठ नहीं था, मेरा नाम व्यास मुनि था। घटना के बाद मैंने अपने भाई का नाम वशिष्ठ और घर पे उनको लोग राजा कहते। अच्छा, वो दोनों नाम आपने? मैंने दोनों जोड़ लिया। अगर इस समाज ने, चिल्लू पार के समाज ने मेरे भाई को मुझसे अलग किया है तो मैं उसे अपने, तब तो आपका नाम पूरा राजा वशिष्ठ व्यास तिवारी। नहीं नहीं, वो होता है, सब कुछ है सर्टिफिकेट में, लेकिन मैं मूलतः, मुझे अच्छा लगता है कोई राजा वशिष्ठ जब मुझे कहता है तो लगता है कि भाई मेरे पास। हाँ, वशिष्ठ नाम तो इस सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही पवित्र है, तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन मेरे भाई वशिष्ठ को तो मुझे जीना है ना। तो उनमें उनका कुछ हाथ था? उसके पहले हरशंकर तिवारी हमारे घर पे 15 बदमाशों को लेकर के बम और राइफल लिए हुए एक दिन सुबह हमारे भाई को मारने के लिए गए हुए थे। 2007 की बात है? नहीं, 2007 के पहले की बात। 2007 तो बहुत बाद में आया, ये 1978 की बात या उसके पहले की बात। तो लंबा दौर गुजरा है, लेकिन हरशंकर तिवारी एक राक्षस थे और जिनको मैं असामान्य कैटेगरी का मानता हूँ, क्योंकि उनकी असामान्यता की सारी डिटेल आप लोगों को पता नहीं है। मेरे पास प्रमाण के साथ वो सारी डिटेल्स, उनका जो ब्रेन है कैसे काम करता था, इसकी भी जानकारी है। और वो समय आने पे मैं उसे दुनिया के सामने ले आके रख दूँगा। तो इतना है कि हरशंकर तिवारी को अगर सफल होना था तो भारत देश में भारतीय व्यवस्था की विकृति को अपने बाहुबल के अंदर से इधर उधर की जोड़ तोड़ की राजनीति करके आगे बढ़ना था। राजनीति उनकी मजबूरी हो गई थी। क्या समाज सेवक भाव से आए थे कि मतलब ये? ना 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 ना, राजनीति उनकी एक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बाहुबल से बहुत कुछ कैपिटल इकट्ठा कर लिया था उसके कवच के रूप में। राजनीति लूट के, किसी का दुकान, किसी की मकान, किसी का पोखरा, किसी की सड़क, किसी का प्रतिष्ठान ले लिया था बाहुबल से, और वो सब अनैतिक था। उसको रखने के लिए, उसको बचाने के लिए उन्हें निश्चित तौर पे सत्ता लगा संरक्षण चाहिए था। और वो बसपा सपा कांग्रेस तो वो बानगी है, अगर मुस्लिम लीग भी आ गई होती तो वो मुस्लिम लीग का कैप पहन लिया या उसके साथ भी चले गए, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। इस बात को समझिए, उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने, क्योंकि वो एक लोभी व्यक्ति थे, अगर उनका बस चलता तो पूरे अंतरिक्ष को वो अपना नाम दे देते। आज देख रहे हैं ना, मूर्ति उस कॉलेज पे, नेशनल डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज, जिसको उन्होंने हथिया लिया। अच्छा, वो बनवाए नहीं थे दूसरे? ना 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 ना, वो बनवाए ना, जो जिंदगी भर काम किया उसको बनाने में, उसमें राम छबीले श्रीवास्तव जी, वो पूरा अपना जीवन ही लगा दिए, बना के खड़ा कर दिया। उसके बाद किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करके उन्होंने पूरा वो साम्राज्य ही ले लिया, मतलब शिक्षा का माफिया। अब माफिया जो है, उन्होंने माफिया को हर जगह बड़े ही प्रभावी ढंग से उपयोग किया। ये उनका स्वभाव जो था वो बड़ा प्रभावी था। इसके लिए तो उनको पुरस्कार मिलना ही चाहिए, और अगर भारत सरकार ऐसे पुरस्कार की घोषणा कर दे तो हमारे ख्याल से हरशंकर तिवारी उसमें प्रमुख होंगे कि उनको माफिया गिरी के लिए पुरस्कार दिया गया। लेकिन जो वर्तमान में जो वहाँ पर चबूतरा हटा उसमें ऐसा है कि अब आप समझ गए। हाँ, कि मैं हरशंकर तिवारी को आदर्श नहीं मानता हूँ।
मैं चंद्रशेखर आज़ाद को आदर्श मान सकता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को आदर्श मान सकता हूँ, मोदी को आदर्श मान सकता हूँ, लेकिन हरिशंकर तिवारी को आदर्श मान। जैसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ की जनता का बहुत आस्था था उनके प्रति। अच्छा, जनता जो मूर्ति लग रही थी। जनता तो जब अपने को संभ्रांत कहती है तो भ्रांत का मतलब समझते हैं आप लोग, भटका हुआ। समान रूप से भटका हुआ है वो संभ्रांत, यही है। और जनता जो वैचारिक रूप से जिधर चाहो उधर मोड़ दो, नारेबाजी कर लो, अब आज के समय में लोकतंत्र की जो दुर्दशा हो रही है, जहाँ पैसे से अपनी मत बेचे जाते हैं, साड़ी से मत बेचा जाता है, शराब से बेचा जाता है, मतलब ये लोकतंत्र की है। मतलब इस क्षेत्र में ऐसी बहुत ही चीज़ें आपके सामने आई होंगी जहाँ मतलब वोट जो है बेचे जा रहे हैं। सपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। सपा ने इस मुद्दे को अपने चरित्र के अनुसार उठाया है। सपा एक ऐसी पार्टी है, हरिशंकर तिवारी और अखिलेश यादव में कोई बहुत अंतर नहीं, बस अंतर इतना है कि अखिलेश एक कदम आगे, मतलब एक जेनरेशन में आ गए हैं। मुलायम उनके बाप वैसा किए थे कि उन्होंने समाजवाद पे, लोहिया और जनेश्वर मिश्र के समाजवाद पे परिवारवाद का मुलम्मा चढ़ा दिया, परिवारवाद ही समाजवाद। हरिशंकर तिवारी ने राजनीति में अपने माफिया का मुलम्मा चढ़ा दिया कि अगर आप कायदे से बात करके नहीं समझ पा रहे हो तो फिर वो बंदूक उठा लेंगे। डिग्री कॉलेज बड़हरगंज के ऑफिसेज में राइफल्स रख करके आप पूरा वहाँ वो अपराध का अड्डा बना दो, तो इसको क्या शिक्षा के लिए बड़ा उत्तम योगदान माना जाएगा? किसी की बनाए हुए कॉलेज को आप हथिया लो, ये बड़ा उत्तम माना जाए। जितनी जगह है उसको दुकानों से भर करके और जो पैसा आ रहा है वो अपने अकाउंट में डलवा लो आप, ये समाज सेवा मानी जाएगी। जैसे विनय तिवारी ने कहा कि ये ब्राह्मणों का अपमान है जो वहाँ चबूतरा हटाया गया। अगर उनको वो मैटर नहीं मिलता आज के समय में, जो 2 महीने में उपचुनाव होने वाला है, अगर उसमें ब्राह्मण का 20% वो नहीं पाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। अब किसी तरह से ब्राह्मण मत को अपने पक्ष में ले आना है, और इसको वो चतुर जो है, जो मुलायम का बेटा है, जिसको जोगी जी ने कहा था, मैं जोगी जी का सम्मान करता हूँ और इसमें जोगी जी का कोई रोल नहीं है, ये बड़ी ही एक सशक्त व्यवस्था मेरे लिए इस समय कि SDM ने ही वो सब कर दिया। SDM ने जब वहाँ इन्वेस्ट, हमारे प्रार्थना पत्र पे SDM ने जब वहाँ जांच किया तो वो जहाँ मूर्ति का चबूतरा और छतरी बन रही थी वह ग्राम समाज की जमीन पे। अब ग्राम समाज की जमीन पे जब कोई चीज है तो उसके लिए एक कानूनी विधि होती है, उसको अपनाना चाहिए। प्रधान ने कहा डुबरी करा के सर समय से पास करवाए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। और विनय को मैं एक कायदे से बात करने वाला व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन उनके अंदर भी जो हरिशंकर तिवारी का रंग है कि असत्य को कवच के रूप में बना लो, और इस समय उसी कवच को उनके पिताजी तो अतिक्रमण, अनाचार, अत्याचार, वो सारी चीज़ें उस कवच के अंतर्गत डाल लिए। देखिए, राजनीति में कुटिलता का स्वस्थ उपयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुटिलता का स्वस्थ उपयोग भी नहीं हुआ, कुटिलता झूठ की शरण में जाती है और ये लोग उसमें पूरी तरह से पारंगत, झूठ बोलेंगे और अपनी दोष को कहीं ना कहीं मढ़ देंगे। इसमें राजेश त्रिपाठी का कोई रोल नहीं है, जोगी जी का कोई रोल नहीं है, पूरी व्यवस्था जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था जो यहाँ है,
वह काम की है। विनय तिवारी ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है तब से ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। योगी जी उत्पीड़न कर रहे हैं और भाजपा भी वो उसका खामियाजा भुगत रही है। गलत है। ऐसा है, योगी जी को ठीक से सुनिए आप। वो जिस तरह से कहते हैं ईमानदारी झलकती है। एक होता है ना कि व्यक्ति कोई बात कहता है तो लगता है कि ये ईमानदार है, और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात सुन करके लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरा पक्ष भी इसके अंदर उबल रहा है या पल रहा है। ये मैं बता रहा हूं। तो मैं वैज्ञानिक होने के नाते योगी जी के पक्ष में हमेशा खड़ा रहूंगा। क्या राजनीति में जाने की इरादा है कभी आपका? ना, कभी राजनीति मैं उतना कुटिल नहीं हो सकता कि राजनीति में जाऊं। मैं राजनीति से ऊपर, राजनीति तो एक छोटी सी जगह है जिसमें देखिए उपाधि मिल जाती है, और उपाधि को मैं बीमारी मानता हूं। आधि जो शब्द है वह व्याधि की बहन है। आधि मतलब मन का रोग, उपाधि जो है वो सब स्टेशन है, यानी आधी आधी है, उपाधि है। तो बीमार होने के लिए अगर आप चाहते हैं तो जाइए उधर राजनीति में। वैज्ञानिक क्या करेगा जाके, जिसको सत्य के प्रति इतनी सत्य से लगाव जब हो जाता है। तो मैंने शुरुआत में आपसे कह दिया कि उसको शिव का दर्शन होता है। जहाँ सत्य है, भोजन करेगा, बिजली का बल्ब जलाएगा, या पेन से इंक निकलते हुए भी उस सत्य को देखना शुरू कर देगा। और जहाँ सत्य है, हमारी संस्कृति ने शिव को दे दिया, और जहाँ शिव और सत्य दोनों हैं वहीं सौंदर्य है। अब इससे बढ़कर के आप ईश्वरी चेतना कहाँ से ले आओगे? 5 तारीख को हरिशंकर तिवारी जी का जन्मदिन है, उस दिन वहाँ बड़ा जमावड़ा होगा, तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा वहाँ पर, कैसा क्या है? अब वही जो अभी हो रहा है कि ओछी और छिछड़ी राजनीति होगी। भाई इनका और काम ही क्या है? देखिए हरिशंकर तिवारी का दुर्भाग्य कि मरने के पहले तो जो कुछ उनको कहा जाता था कहा ही जाता था, मरने के बाद भी कहा जा रहा है। अगर इनके पास थोड़ा सा भी धैर्य होता, थोड़ा सा भी मान होता, तो वो जो आदम कद मूर्ति इन्होंने डिग्री कॉलेज में लगाई है उससे संतोष कर लेते, वहाँ जितना माला हो चढ़ा लेते, और चढ़ा करके कितनी जगह मूर्ति लगाओगे ब्राह्मण शिरोमणि को, तथा कथित ब्राह्मण शिरोमणि को, हर ब्राह्मण के गांव में अंबेडकर जी की तरह से मूर्ति लगा डालोगे और वो आदर्श बनाओगे। ऐसा आदर्श जिसको आज हमारे गांव के बच्चे जो हैं उस आदर्श के नाते सारी अशिष्ट भाषा और जितनी गंदी मतलब गाली होती है वो सब सीख गए। जुआ शराब, हरिशंकर तिवारी का एक और प्रकरण बता रहा हूँ, हमारे गांव के लोगों को गांजा पिला करके या गांजा प्रोवाइड करके वो उनका खेत खरीद डाले। खेत खरीद लिए साहब, और बनवाए क्या है, अपनी जो सबका अतिक्रमण करके लोगों का घर गिरा गिरा करके पूरा हाता बनवा दिया, और उस हाते में भी एक लड़के को गांजा पिला करके उसका जमीन खरीद लिया। अच्छा, गांव पर भी? गांव पे, गांव के केंद्र में। मैंने तो कहा था, मैंने लोगों से कहा था कि इसको हरिशंकर तिवारी स्मृति पार्क बनाओ, और यहाँ जो है इतनी बड़ी मूर्ति लगाओ कि कुतुब मीनार जैसी रहे, और ऊपर हरिशंकर तिवारी जी का मूर्ति लगा दो ताकि गोरखपुर से ही मैं उनको प्रणाम कर लूँ। भाई कुतुब मीनार जैसा हो जाएगा तो मैं गोरखपुर से ही प्रणाम। अगर नहीं भी बनवा पा रहे हो, क्योंकि आजकल समस्या है धन की, तो आप इतना करो कि वो जो जमीन है जिसको आपने खरीदा है गांजा पिला करके, आप उस जमीन को गांव की नारियों के लिए एक उत्तम पार्क बनवा दो, हरिशंकर तिवारी का नाम वहां अंकित कर दो। इससे बढ़ के समाज सेवा क्या हो सकती है? और उसके लिए पहला माला मैं चढ़ाऊंगा उनको, क्योंकि वो उद्देश्य जो होगा वो नारी स्वास्थ्य के लिए हो जाएगा। गांव की नारियां जो हैं बाहर जाती हैं, टहलने नहीं जा पाती हैं,
एक जगह ऐसी हो जहाँ साफ सुथरी हो, लोग जाकर के बच्चे खेल सके, और इतना अतिक्रमण किए हो तो कुछ तो दान में दे दो समाज को। जी देखिए, आपका कहना है कि जो भी प्रशासन ने वहाँ कार्रवाई किया वो सही तरीके से किया, मैंने शिकायत किया था जरूर, क्योंकि वहाँ गलत काम हो रहा था, प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया। और जहाँ तक ब्राह्मण की बात है तो ब्राह्मण कहीं से भी भाजपा से नाखुश नहीं है। योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लॉ एंड ऑर्डर दोनों बहुत सही हुआ है, और उसी का परिणाम है कि मेरे एक शिकायत पर प्रशासन ने पहुंच करके वहाँ कार्रवाई की, और आगे भी इस तरह से जब भी कोई गांव में खराब मामला होगा तो हम शिकायत करेंगे, और यदि उनको बहुत ही इच्छा है तो जो उन्होंने जबरिया जमीन हथियाया हुआ है उसमें उनकी मूर्ति स्थापित कर दें, काफ़ी लंबी बड़ी मूर्ति को स्थापित करें, उसका उसमें पहला माला मेरा चढ़ेगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।